नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है रानी कमलापति, लेकिन हम बात करेंगे रानी पर रार क्यों। मध्य प्रदेश में चुनाव तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही हैं, चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। नेताओं के बयान पर बवाल मचना शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कह दिया कि बीजेपी दोबारा राजा महाराजाओं का राज लाना चाहती है। भोपाल में स्टेशन का नाम रानी कमलापति कर दिया। ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं जिनके नाम हमने सुने तक नहीं है। उनके बयान के बाद बीजेपी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। गोविंद सिंह के इस बयान पर कमलनाथ ने भी एक तरह से समर्थन दिया है कि बीजेपी नए नए और फर्जी नाम जोड़ रही है। इस पर बीजेपी हमलावर है और इसे आदिवासी समाज का अपमान बता रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा, तो कांग्रेस बताए कमला पार्क किसके नाम पर रखा गया। कांग्रेस ने कभी क्रांतिकारियों और महापुरुषों का सम्मान नहीं रखा, वे तो एक परिवार के गुणगान में लगे रहते हैं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इस बयान से कांग्रेस की आदिवासियों के प्रति सोच उजागर हो गई है। कांग्रेसियों को तो इटली की महारानी सोनिया गांधी ही नजर आती हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनावी साल में ये रार क्यों रानी को लेकर, और क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा है, ये मुद्दा बनता है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में क्या कहा था गोविंद सिंह ने और इसके विरोध में क्या प्रतिक्रिया आई सीएम की। ये दोबारा राजा महाराजाओं का राज लाना चाहती है। भोपाल का रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति, मतलब ढूंढ ढूंढ के निकालना, जिनने कभी सुने नहीं है हमने तुमने। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के माननीय प्रधानमंत्री जी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। केवल एक खानदान का नाम जपने वालों, कम से कम हमारी गौरव, आदिवासी भाई बहनों की गौरव, महिला रानी कमलापति का अपमान तो मत करो। तुमने तो उनके नाम पे कुछ किया नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही तो तकलीफ हो रही है। मैडम सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, क्या वो रानी कमलापति को जानती है? क्या कांग्रेस का यही दृष्टिकोण है? यह अपमान प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। यह अपमान एक प्रतापी महिला जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनका अपमान है। हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और परंपराओं का अपमान है। इस अपमान को प्रदेश सहन नहीं करेगा, देश भी सहन नहीं। अभी तक कम से कम हम कांग्रेस पार्टी में हमें जो नेता नहीं मानते थे, अब शिवराज सिंह के टक्कर के नेता हमें बराबरी के हैं। इसलिए शिवराज सिंह बेचैन है हम, इसलिए हमारा पुतला जला रहे, अच्छा है। हम उनको धन्यवाद देते, बधाई देते। कम जो लोग हमें नहीं गांव तक जानते थे, वो पुतला जलाकर हमारा नाम प्रचारित कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक रूप से हमारा वैभव बढ़ा रहे हैं, उनको धन्यवाद देते हैं हम। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से शंकरलाल तिवारी, कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आदिवासियों को अपमान तो बता रही है शर्मा जी बीजेपी, लेकिन दिलचस्प बयान तो एक नेता प्रतिपक्ष का आया कि हमें कांग्रेस में भी बड़ा नहीं समझते थे, प्रदेश स्तर का नेता नहीं समझते थे। कम से कम इसके विरोध में बीजेपी उनका पुतला दहन कर रही है, तो वो शिवराज जी के टक्कर के नेता हो गए। क्या टक्कर के नेता बनने के लिए, चर्चा में आने के लिए ऐसा बयान दिया उन्होंने कि रानी कमलापति को नहीं जानते? सवाल के लिए बताई। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने उसका पुतला दहन का जिस शालीनता से विरोध किया है, ये उससे तात्पर्य निकालना चाहिए कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि भाजपा के लोग उनके पुतला बनाकर दहन करें, विरोध करें। ऐसी कोई बात गोविंद सिंह जी ने, डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही नहीं है, क्योंकि मैंने उनका वक्तव्य सुना है। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये राजा रानियों के नाम पर आप इतने याद कर रहे हैं, इसके पहले 18 सालों में इन्हें कभी याद नहीं आई। और कांग्रेस, अभी शिवराज सिंह को भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कांग्रेस ने तो कुछ करा ही नहीं कमलापति के नाम पर। अरे कमला पार्क का नाम किसने दिया, कमला पार्क किसने बनाया? ये कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस सरकार के टाइम पर ही कमला पार्क बना, इसलिए तो वो पूछ रहे हैं कमलापति का नाम हुआ है। इसलिए पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि आप ही बता दीजिए कमला पार्क किसके नाम पर है, जब गोविंद सिंह कह रहे हैं कि कौन है रानी कमलापति, हबीबगंज स्टेशन का नाम रख दिया, कहां कहां से ढूंढ कर ला रहे हैं, तो ये अपमान नहीं है? देखिए, जब ऐसा नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं थी,
पर इन्होंने अपने नंबर बढ़वाने के लिए प्रधानमंत्री के सामने ऐसा नाम ढूंढकर लेकर आए कि इनके नंबर बढ़ जाए प्रधानमंत्री के सामने। यदि शिवराज सिंह जी में इतनी ललक है नाम बदलने की, तो बुधनी विधानसभा क्षेत्र में शाहगंज भी एक उनका एक शहर है, एक दूसरा बड़ा शहर है उनका नसरुल्लागंज, तीसरा सटा हुआ शहर है अबिदुल्लागंज। इनके नाम बदलने की प्रक्रिया करें, किसी का भोजपाल कर दें नाम, किसी का उनके कमलापति के नाम पर, निजाम शाह के नाम पर कर दें, उनके बेटे के नाम पर कर दें। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नसरुल्लागंज का बदला गया शर्मा जी? नहीं बदला है, कोई नहीं बदला है। वो खुद भी नसरुल्लागंज लिखते हैं अपने दौरा कार्यक्रम में, कभी अध्ययन कर लेना, पढ़ लेना आप। शाहगंज भी शाहगंज लिखते हैं जब उनका दौरा कार्यक्रम रिलीज होता है, तो आप मान रहे हैं कि होता है। आदिवासियों का अपमान नहीं है ये? जबरन में बीजेपी मुद्दा बना रही है। बिल्कुल अपमान नहीं है, सरासर झूठ बोल रहे हैं ये, और किस तरह से आदिवासियों के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। और यदि इनके मन में आदिवासियों को सम्मान देने वाली बात थी, तो 18 साल से कहां थे? 18 साल से पहले उनको क्यों याद नहीं आई? और इतने नाम रखे हुए हैं, इनको बदल देते क्यों नहीं बदले? ये चुनावी शिगुफा मात्र है, चुनावी वर्ष में सिर्फ प्रधानमंत्री का समर्थन लेने, उन्हें बताने के लिए हम कितने चिंतित हो रहे हैं आदिवासियों की, वो चिंता कर रहे हैं। एक बात तो आप ये मान लीजिए, ये सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। और ये तो वैसे ही इनको कहा जाता है नौटंकीबाज है, ये कहा जाता है ये घोषणावीर है, कहने के बाद नहीं याद नहीं रहता कि इन्होंने क्या घोषणा कर दी है। अब मुझे बताइए कि इस समय इस बात की जरूरत नहीं थी, परंतु उन्होंने सिर्फ इसी बात के लिए कि ये चर्चा में आ जाए नाम, तो चर्चा में आ जाए, जो मैंने कहा था ना, चर्चा में आने के लिए तो गोविंद सिंह ने ऐसा बयान दे दिया ना। तो ब्रजेश सुनिए, तो नंबर दो के नेता है कि नहीं गोविंद सिंह? मध्य प्रदेश में नंबर दो के नेता है कि नहीं? कमलनाथ के बाद दूसरे नंबर के नेता है कि नहीं? जिस मुद्दे पे आपने मुझसे को जोड़ा है, पहले वो मुद्दा सुन लीजिए। ये मुद्दा जो इनसे जुड़ा हुआ है, कमला पार्क के नीचे कमला महल बना है, उसे संरक्षित घोषित किया क्या? और इनका गिन्नौरगढ़ के राजा महाराजा थे समझ लीजिए, जिसमें 750 गांव थे उस स्टेट में। तो वो तो कह रहे हैं, हम तो कुछ कर भी रहे हैं, आपने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा आरोप लगा रहे थे। क्या कर रहे हैं? राज्य की बाइट सुनी होगी आपने अभी। ये ब्रजेश जी 18 साल 20 साल हो गए इनकी सरकार को झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और यदि इन्होंने गिन्नौरगढ़ का गढ़ के किले को संरक्षित घोषित कर दिया हो, कमलापति के महल को जो शहीद हुई वीरांगना है हमारी, उनके महल को संरक्षित घोषित कर दिया हो, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दियो, चलिए तो आप बता तो पहचानते हैं ना कमला रानी को, ठीक है, रानी कमलापति को पहचानते हैं। आपने अब तक 18 साल में, अब याद आ रही है आपको चुनावी साल में, अब याद आ रही है इनके लिए? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है, जवाब ले लें। शंकरलाल तिवारी जी अध्ययन कर ले, वो तो बड़े विद्वान आदमी है। नहीं, आपको प्रणाम, भाई साहब को प्रणाम, बताऊ इतना शर्मा जी को मैंने कभी कभी देखा, क्यों नहीं किया? 18 साल हो गए, क्यों नहीं किया? 18 साल हो गए। अरे तुम्हारे 50 साल के लिए कर्मों को रोने के लिए आप, अरे कमला पार्क तो हमने ही नाम दिया है, कहाँ रो रहे हो आप उसके लिए? रहता हूँ आपको, लेकिन मेरी 50 साल क्यों न रो? मैं आप 18 साल तो अगर रो रहे हो, तो 18 साल में पहली बार, इन्हीं 18 साल के भीतर, कोई अभी नहीं, एक पहचान बनाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने तो वनवासियों को और दलितों को और अल्पसंख्यकों को, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रहा, आपने वोट बैंक बना के रखा है, ये सारी दुनिया जानती थी और सारी कांग्रेस जानती है, सारी जनता, वो सारा आपका खिसक गया। आप वरिष्ठ दिया, पर हालत ही कि कोई अच्छा काम भी अगर होता है तो आवाज कट रही है। ब्रजेश तिवारी जी, आपकी आवाज कट रही है, तिवारी जी कुछ डिस्टरबेंस है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, खतरा है। हेलो जी, बोलिए। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। आपका सिस्टम, आपका सिस्टम आवाज ही नहीं दे रहा है हम लोगों को, हम क्या करें? सरकार के हिसाब से नहीं चल रहा है, विपक्ष के हिसाब से चल रहा है, अटक रहा है, नहीं चल रहा आवाज आ रही, सिस्टम भी नाराज है तिवारी जी से।
नहीं, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है तिवारी जी, बोलिए। कट 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 क्या रहा? अभी आ रही है जी। आप वरिष्ठ नेता है, इस समय कांग्रेस को चाणक्यों की जरूरत है। भले ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, कोई नहीं है। कमलनाथ कमलनाथ, पहले तो ये पता लगा लेना आप अकेले में और मेरे वरिष्ठ पत्रकार मित्र बैठे हैं, मेरे प्रत्याशी जी बैठे हैं, कि ये कहीं अविश्वास प्रस्ताव का बदला तो नहीं ले रहा गोविंद सिंह? गोविंद सिंह बहुत पुराने नेता है, समाजवादी नेता है, समय आयु का प्रभाव पर है, मैं उसको सम्मान दे सका। ठीक है कि गाँव कमलनाथ जी को नहीं जानते, गांव गांव में नहीं गए, ब्लॉक कुछ तकनीकी खामी है। तिवारी जी मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, रुक रुक कर आ रही। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आवाज दुरुस्त हो। मैं लौट रहा हूं आपके पास, फिर जवाब भी ले लेंगे आपके सवालों का। आप दोबारा लौट रहा हूं मैं। तिवारी जी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे होंगे। मैं अपनी टीम से बोल रहा हूं कि आपकी आवाज को दुरुस्त करेंगे। दुबे जी, क्या इसको मुद्दा बनाने से रानी कमलापति के मामले को आदिवासियों के अपमान से जोड़ने के कारण बीजेपी को लाभ होता दिख रहा है, इसलिए इस पर रार छिड़ी हुई है? दुबे जी देखिए, कई बार राजनीति में इसलिए कहा जाता है तोल मोल के भूल, कई बार कांग्रेस या बीजेपी के कई नेता अपने बड़बोलेपन से हिट विकेट जैसी स्थिति बनाते हैं। अभी इस पर कोई बयान देने की नेता प्रतिपक्ष को कोई जरूरत नहीं थी, उसकी चर्चा करने की। बहुत पहले उसका नाम प्रधानमंत्री आए थे, तब अब इसको इस मामले पर क्या चर्चा करनी थी। लेकिन इस समय कांग्रेस समझ जाए कि बीजेपी चुस्त फील्डिंग लगाए हुए है, खासकर 2018 की तरह कोई ढील नहीं देना चाहती। वो हर मुद्दे पे आपको वो तो सोच ही रहे कि आप थोड़ी सी लूज बाल करो और हम उसको कैच करें, छक्का मारें। देखो आप जिस तरह से इस बात को लेकर मुख्यमंत्री अब सोनिया गांधी से कह रहे हैं, तो एक बात तो होगी कि क्यों आपने कमलापति के बारे में ऐसा कहा। मुझे लगता है कि राजनीति में बहुत तौल कर बोलना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए जो संवेदनशील है। इतने जरफरात मुद्दे हैं प्रदेश में जिन पे गोविंद सिंह चाहें तो 230 विधानसभा में हर दिन एक मुद्दा उठा सकते हैं। इतने मुद्दे, अभी कितना गर्मी, कितनी पेट की समस्या, गाँव गाँव महंगाई, भ्रष्टाचार, कितने मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, सबका समर्थन ले सकते। लेकिन ऐसे मुद्दों को टच करेंगे तो आप समझ जाइए कि बीजेपी तो बिल्कुल चौकन्नी बैठी है कि आपने थोड़ा भी कुछ किया और वो उसको बात। तो आप तिवारी जी से कितना सहमत है कि गोविंद सिंह बदला ले रहे हैं, उनकी कोई पूछ परख नहीं है पार्टी में, इस चक्कर में ऐसा बोल रहे हैं, हिसाब बराबर कर रहे हैं? एक स्वर में नहीं बोलेंगे, या जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, भावी मुख्यमंत्री है, उनको जब अड़चने पैदा होंगी किसी के बयान से, तब यही माना जाएगा कि हो सकता है इनको डैमेज करना चाहते हो, क्योंकि ये तो है ही। यदि आप उनको अच्छा शक्ति संपन्न बनाना चाहते, उनके पीछे खड़े हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहिए जिससे कटघरे में पार्टी खड़ी हो या नेता खड़े हो। जैसे शर्मा जी है, हर पक्ष में बचाव करते हैं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति का क्वेश्चन आ जाए कांग्रेस का, लेकिन कैसे बचाव करते हैं। तो ऐसे इनको बचाव करना चाहिए कि मुद्दा देने चाहिए? ये नेता प्रतिपक्ष ही मुद्दा दे रहे हैं, तो शर्मा जी की भावनाएं समझ में आ रही कि वो कांग्रेस के और कमलनाथ के प्रति समर्पित हैं और बचाव कर रहे हैं। शर्मा जी फंसे होते तब भी मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं। शर्मा जी अनुभव में तो नेता प्रतिपक्ष भी कम नहीं है। आ रहा हूं तिवारी जी, लेकिन क्या वो कमलनाथ जी से बदला ले रहे हैं जैसे तिवारी जी कह रहे हैं? और जब चुनावी साल हो तो तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्या हिट विकेट हो गए? गोविंद सिंह जी बहुत सहज भाव से कह देते हैं और उनके भाव का अर्थ का अनर्थ ये भाजपा वाले जैसे देवदत्त जी कह रहे हैं, वो तो तैयार बैठे हैं पकड़ने के लिए, अर्थ का अनर्थ निकालने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि भाजपा पे व्यक्तिगत आरोप लगाना, चरित्र हनन करना, एक दूसरे की बुराई करने के अलावा कोई राजनीति नहीं है, रचनात्मक काम नहीं है, कोई विकास ने 18 साल में किया नहीं, बता नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश तो कह रहे हैं हर विधानसभा में आपके पास एक नहीं किसानों की उपेक्षा हो रही है। देवदत्त दुबे जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि बहुत सैकड़ों मुद्दे हैं, हमें उनपे केंद्रित होने की आवश्यकता है, पर अब डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है वो तक कट करके बता दिया।
पूरा किस उसका किस रेफरेंस में कहा है, ये भाजपा वाले नहीं बताएंगे, शंकरलाल जी नहीं बताएंगे, पर हमें इस तरह की बातों से बचना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से, परंतु ऐसी कोई बात नहीं कह दी है उन्हें, यही कहा 18 साल में किया नहीं और आज इन्हें याद आ रही है। इसमें कौन सी गलत बात कही गोविंद सिंह जी ने, सच बात कही है। लाडली बहना इन्हें अभी याद आ रही है, नौजवानों के रोजगार आज इन्हें याद आ रहे हैं, महंगाई इनको याद नहीं आ रही। कमलनाथ जी ने कहा हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम 1500 रुपए लाडली बहना को देंगे, हम नौजवानों को हर नौजवान को नौजवान रोजगार की गारंटी के कार्यक्रम मध्य प्रदेश में लेके आएंगे, हम नए नए उद्योग लेके आएंगे, हम तो रचनात्मक मुद्दों पे काम कर रहे हैं। मुद्दे तो बहुत हैं और आप ऐसी बात पकड़ लेते हो कि बाकी के मुद्दों से ध्यान भटका सको इसलिए बात का बतंगड़ बनाते हो। तिवारी जी इनकी नहीं, इनकी कोई नाव है ना इनका कोई खेवन हार, इनके समझ में नहीं आ रहा कि खेवन हार पे तो आप झूठे आरोप लगाते रहते हो। हम सबके नेता कमलनाथ है, मुख्य मुख्यमंत्री के दावेदार भी वही है, पूर्व मुख्यमंत्री भी वही है। आज आवाज नहीं आ रही साफ, कट कट के आ रही है। कांग्रेस सुना रहे जो झूठे में दाल पड़ रही है कांग्रेस में, इनसे तो नमस्कार करने को मन हो रहा है। तिवारी जी आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है, आवाज में डिस्टरबेंस है, सोच में डिस्टरबेंस है, विजन में डिस्टरबेंस है, सही बात है कहा? आपका स्पीकर ऑन है क्या आपका? बंद कर दीजिए। आपकी पार्टी थोड़ी तकनीक में माहिर है, तकनीक का बड़ा फायदा उठाती है। ब्रजेश जी बातें करते हैं माहिर है नहीं है। माइक बंद है क्या? जी आ रही आपकी आवाज, बोलिए। तिवारी जी को फोन पर जोड़िए भाई। इनसे पूछते लो कि गिन्नौरगढ़ किले को संरक्षित क्यों नहीं घोषित किया, कमलापति के महल को कमला महल को आज तक क्यों उन्होंने मध्य प्रदेश की संपत्ति नहीं बनाई, इसे आज संरक्षित घोषित नहीं किया। कमलापति याद आ गई इनके लिए तो कमलापति वही कह रहे हैं ना, हमने भी याद किया, आपने भी याद किया था। अरे हमने तो सबसे पहले कमला महल के पास में बड़े तालाब के किनारे कमला पार्क बना दिया, तो गोविंद सिंह जी को बता देते ना कि ये यादगार है, ये रानी कमलापति है। रानी शब्द तो इनने लिख दिया, हमने तो कमला पार्क बेहतरीन नाम दिया है। वो तो शिवराज जी तो कह रहे थे तालों में ताल तलैया वाला शहर, वो वाली कहावत कह रहे थे रानी में रानी कमलापति। जे शिवराज जी ने जैत गांव में जब पैदा हुए थे तब सुनी थी, गांव गांव में ये कहानी प्रचलित थी। हाँ। हमने भी सुनी है, ताल तो भोपाल ताल और सब तलई है, रानी तो कमलापति और सब गधई है। ये नहीं बोला था उनने, आपने बोल दिया। ये नहीं आपने बोल दिया ना, होती थी बात। हाँ फिर तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अच्छा देखिए मैं तो देख रहा हूँ की आदरणीय शर्मा जी उसी तरह मजा ले रहे हैं जिस तरह गोविंद सिंह मजा ले रहे हैं कमलनाथ के किले में सेंध लगाकर। ये सारा खेल दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह का सोचा समझा खेल है। कमलनाथ इतफाक से भाजपा के नाते को कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ पर अपना व्यक्तिगत मंतव्य बता रहा हूँ। ये शुद्ध शुद्ध कांग्रेस में जो जूते में दाल बट रही है उसे क्या संकेत दिख रहा बड़े नग्न तरीके से, आप देखते जाइए। कांग्रेस के अंदर सूबेदारी का खेल चलता है, दिल्ली दरबार कमजोर जब होता है तो सूबेदार इसी तरह आपस में तलवारें संकराते हैं। अभी दो दिन पहले अरुण यादव को कुछ नजदीक सटाने का काम किया था, ऐसा लगा मीडिया के माध्यम से कि अरुण यादव अचानक कमलनाथ जी के खेमे में और उनका गृह प्रवेश हो रहा है, और दो दिन के अंदर गोविंद सिंह का बयान आ गया, वही खंडवा खरगोन और उसी
बुरहानपुर तमाम एरिए का जहाँ आदिवासी क्षेत्र बाहुल्य है कि रानी कमलावती कौन है वो जानते ही नहीं बाप रे बाप। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने खुलेआम अपमान किया। गोविंद सिंह जी भले सयाने हो गए पर इस तरह का संज्ञान लेना चाहिए। आदिवासियों में आक्रोश है, उनको दुख हुआ है और एक मैंने इतने राजा रानियों के नाम से सब हुआ है तो खुद सामंत है गोविंद सिंह। मैं कह रहा हूँ कि सामंत है, उनके मुंह पे कहने के लिए तैयार हूँ। आज भी ग्वालियर संभाग में कुछ लोगों की सामंतशाही चल रही है और इस नाते उनको तकलीफ हो गई एक आदिवासी महिला रानी के नाम पर जब स्टेशन का नामकरण हुआ। और दूसरी तकलीफ ये हो रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमलनाथ जी ये भी ठेंगे में वो भी ठेंगे में तू भी ठेंगे में कर रहे हैं, किसी को पूछ नहीं रहे। मैं तो शर्मा जी कह रहे हैं आप बात को पतंगड़ बना रहे हैं, इनके पास मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं आप। तमाम मुद्दे हैं, एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाए तो पांच पांच मुद्दे हैं। कमलापति जी का जो अपमान किया गया मुद्दों से भटकना है, निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए और जैसा मुख्यमंत्री जी ने मांग दी है कि सोनिया जी को इस पर जवाब देना चाहिए। अपने इस जो छोटे से छोने हैं गोविंद सिंह, इन्होंने जो कमलापति के लिए अपमानजनक शब्द कहे राजा रानी और इस तरह का मजाक उड़ाया, इस पर सोनिया गांधी जी को जवाब देना चाहिए और कमलनाथ को माफी मांगना। गोविंद सिंह को मांग वो तो पूछ रहे हैं कि सोनिया जी को भी पता है कि नहीं रानी कमलापति कौन है। अरे उन्हें सब पता है, इन्हें थोड़ी बताएंगी वो, उन्हें जिस स्तर पर बात करना है करती हैं वो। तो फटकार लगाएंगी गोविंद सिंह उनका हम उन्हें इनको इनको टाइम दिलवा देते हैं, शंकरलाल जी मिलने जाना चाहते हैं। दर्द होता है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया तो आप लोगों को दर्द हुआ, आज जो है तो रानी कमलापति के नाम पे मंदोदरी मिलाप कर रहे हो। तमाशा क्यों बना हुआ आपका वो बैंक खिसक रहा है। आदिवासियों ने पहले ही आपको नकार दिया है, दलितों के सम्मेलन को मुंह में मंजिल बने। चलिए आप भी चाहते हैं चर्चा को विराम देना होगा क्योंकि समय की बाधित है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी साल है, नेताओं को तौल मोल कर तो बोलना ही चाहिए क्योंकि उनके बयानों से माहौल बदल जाता है। चुनावी माहौल तो बदल ही जाता है, वोट बैंक भी प्रभावित हो जाता है। लेकिन गोविंद सिंह ने जो बयान दिया है, क्या वो कमलनाथ को डैमेज करना चाहते हैं या वाकई में सहजता से वो बोल गए? लेकिन वो बोला है उन्होंने चुनावी साल में, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया और ये मुद्दा कितना कारगर होगा उसके लिए ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।